छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An Eminem Original। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, ये जो वर्ल्ड है ना, यहाँ दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो अपने आसपास हो रहे सभी अत्याचार, दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ को सहते ही रहते हैं, पर कभी किसी से शिकायत नहीं करते। और दूसरे वो होते हैं जो शिकायत तो नहीं करते, परंतु अपनी सहनशीलता से बदलाव लाते हैं, महात्मा गांधी जैसे, जो हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं और सत्य की विजय के लिए करते हैं कभी कभी आंदोलन। तो दोस्तों, गांधी जयंती पर पेश है आज की ये कहानी, जो कि गांधी जी के एक दूर के फॉलोअर के बहुत दूर के रिश्तेदार, गुजरात के वडोदरा में रहने वाले 22 साल के नवयुवक विक्रम भाई पटेल की है, जिसे लोग प्यार से विक्की बुलाते हैं। मगर उसी सोसाइटी में रहने वाली किंजल मेहता विक्की को कभी प्यार से विक्की नहीं बुलाती। पूछे क्यों? क्योंकि वो विक्की से प्यार करती नहीं। मगर विक्की किंजल से बहुत जोर से प्यार करता था, इसलिए प्यार में गिरे विक्की ने ठान लिया कि वो किसी भी तरह किंजल को इम्प्रेस करके रहेगा। तो बिना ज्यादा सोचे समझे सीधा जाकर कर दिया विक्की ने किंजल को प्रपोज। बोला, किंजल बेन, तू मैंने खूब सरस लगे छे। किंजल ने भी बिना ज्यादा सोचे समझे दिया घुमा के। पहले तो बड़ा गुस्सा आया विक्की को, लेकिन फिर उसने गांधी जी की दी सीख याद की। जब कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। विक्की ने इसी बात पर कर दिया दूसरा गाल आगे और किंजल ने दे दिया फिर से घुमा के। अजी, मगर हद तो तब हो गई जब दूसरा थप्पड़ खाने के बाद भी हार ना मानी तुम्हारे भाई ने और कर दिया किंजल के इस हिंसक आक्रमण के खिलाफ भूख हड़ताल। जी हाँ, विक्की ने सोचा, नहीं, जब भूख हड़ताल करके गांधी जी ने उन अंग्रेजों से बात मनवा ली तो क्या मैं एक सुंदर सुशील भोली भाली क्यूट सी लड़की से नहीं मनवा सकता। बस फिर क्या था, अपनी ही सोसाइटी के बाहर गाड़ दिया विक्की ने बम्बू और लगा दिया उस बम्बू में तांबू। सफेद कुर्ता पजामा पहने पास के होटल के मेन्यू में मौजूद सारा खाना खाकर बैठ गया विक्की भूख हड़ताल पर। विक्की ने सोचा, इतना खाने के बाद कौन सा उसे सुबह तक भूख लगने वाली है। पूरी प्लानिंग कर रखी थी तुम्हारे भाई ने कि थोड़ी देर में भूख हड़ताल की न्यूज फाइनल हो जाएंगी। बोलो वाह वाह। और किसी तरह किंजल तक तो बात पहुंच ही जाएगी। बोलो वाह वाह। जैसे ही उसे पता चलेगा वो दौड़ी चली आएगी। करो कनोना और आकर विक्की से कहेगी, हेलो विक्की, मैंने पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। आई एम सो सॉरी विक्की, आई लव यू टू। विक्की ने सोचा, पहले मैं थोड़ा सा भाव खाऊंगा, फिर झट से मान जाऊंगा, फिर ढोकला खाऊंगा। इसी सुहाने सपने के साथ खुशी खुशी तंबू में सो गया विक्की। और सुबह सुबह की कच्ची नींद में उस पायल की छम छम की आवाज से उठा, सोचा कि शायद बन गया काम। आ गई किंजल हाथों में जूस का ग्लास लिए उसका भूख हड़ताल खत्म करने। मगर जब आंखें खुली तो खुली की खुली रह गई। अरे पता नहीं कहां से विक्की के मामूली से भूख हड़ताल की खबर मीडिया वालों को लग गई। उसके मुंह में माइक घुसा घुसा कर पूछने लगे तेज तर्रार रिपोर्टर्स, विक्की जी हमें बताइए मुद्दा क्या है, आखिर सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं आप ये भूख हड़ताल? क्या ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ है या बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ? बताइए बताइए, द नेशन वांट्स टू नो, बताइए।
मीडिया वाले रीजन जानने में लगे थे कि इतने में लोकल केबल ऑपरेटर के लोकल न्यूज चैनल की भोली भाली रिपोर्टर ने खुद ही गेस कर लिया कि आखिर क्यों बैठे होंगे विक्की भैया भूख हड़ताल पे। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनफ्लावर रेसिडेंशियल सोसाइटी के सामने, जहाँ सोसाइटी में ही रहने वाले एक नव युवक विक्की भाई पटेल ने पीछे की झुग्गी झोपड़ियों की जमीनों में हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। विक्की जी ने ये साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती, वो तब तक अपनी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, फिर चाहे इसमें उनकी जान ही क्यों ना चली जाए। अरे कौन सा नशा करके आई है ये रिपोर्टर, अरे चाहे मेरी जान क्यों ले चली जाए, ऐसा क्यों बोल रही है? अरे कौन सी झोपड़ पट्टी, कौन सा बिल्डर, मैं तो किसी को जानता तक नहीं। देखते ही देखते वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, सभी लोग जुट गए विक्की भैया के समर्थन में। कुछ तो सामने पंडाल में बैठ के जलेबी फाफड़ा खाने लगे। गुस्से से फड़फड़ाते हुए विक्की ने सोचा, जैसे ही ये सब छोड़ जाएंगे तुरंत ही थड़ी पार हो जाऊंगा। अरे ऐसा मांगूंगा कि भाई कभी किसी को नजर नहीं आऊंगा। हाँ, जिंदा रहा तो किंजल को फिर कभी पटा लूंगा। भूख से परेशान विक्की की आधी रात को नींद खुल गई। सभी को सोता देख विक्की ने सोचा मौका अच्छा है भागने का। जैसे ही विक्की दबे पांव भागने वाला था कि तभी तंबू में सोए एक बाबूजी की नींद खुल गई। वो बोले, अरे बेटा, उस बिल्डर ने अवैध कब्जा कर लिया है हमारी झोपड़ियों में। हम सब बेघर हो गए हैं बेटा। हमारे पास न ही रहने की कोई जगह थी, न ही कोई उम्मीद थी कि हमें कभी हमारा हक मिलेगा। मगर फिर भगवान ने तुमको भेज दिया। पता नहीं इस एहसान का बदला हम कैसे चुकाएंगे बेटा, कैसे चुकाएंगे। विक्की ने उन झोपड़ियों की तरफ देखा। वहां बहुत से घर टूटे हुए थे। कई बच्चे बूढ़े फुटपाथ पर सोने को मजबूर हो गए थे। उन सभी को देखकर विक्की की आंखों में पानी भर आया। उल्टे पांव ही वापस लौट गया विक्की अपने तंबू में। नींद तो उसे अब भी नहीं आ रही थी, मगर अब न जाने कैसे उसकी भूख मर गई थी। देखते ही देखते सुबह हो गई और लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। किंजल भी आ गई विक्की के सपोर्ट में, पर विक्की का फोकस अब सिर्फ आंदोलन था। और आखिरकार सरकार ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए दिला दी बस्ती वालों को उनकी जमीन। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह की शक्ति को पढ़ा तो खूब था विक्की ने, मगर आज महसूस भी कर लिया। एक बात समझ आ गई विक्की को, अगर कोई आंदोलन कभी किसी निजी स्वार्थ के लिए किया जाए तो वो सफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस आंदोलन में लोगों की और समाज की भलाई छिपी हो तो सत्य की रक्षा के लिए किया गया सत्याग्रह कभी असफल नहीं हो सकता। तो गांधी जी के दिखाए रास्तों पर चलते रहिए, ना बुरा कहिए, ना बुरा देखिए और ना ही बुरा सुनिए, और हमेशा सुनने के लिए सुनते रहिए कहानियों का मंत्र। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। M&M ओरिजिनल। This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listener's discretion is advised.